एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन लॉलीपॉप और सेजवान चटनी। तो इस चिकन लॉलीपॉप को मैंने कैसे बनाया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि सेजवान चटनी आप घर पे कैसे बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन कितना अच्छी तरह से पक गया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने चिकन को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन के विंग्स मतलब लॉलीपॉप को ले रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट से खुद से करवा सकते हैं या आप खुद पैकेट बनाएं। तो मैंने यहाँ पे डाला है विनेगर और यहाँ पे मैं डालूँगी नमक। थोड़ा इसकी जो भी गंदगी होती है ना, इसे आप अगर आधे घंटे से ऐसे रखोगे तो सारा गंदगी बाहर आउट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देती हूँ। देन आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी गंदगी कितनी ज़्यादा बाहर आती है। कभी भी चिकन बनाओ तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाफ एन आवर के बाद मेरा आप चिकन का पानी देख सकते हो कितना गंदा है। तो उसके बाद मैं इसको अच्छे तरह से वॉश कर लूँगी। तो मैंने यहाँ चिकन को वॉश कर लिया है। मैं यहाँ पे टेस्ट के अनुसार डालूंगी नमक, उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, उसके बाद आपको डालना है इसमें काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसके साथ साथ आपको इसमें जितनी गरम मसाला आप ये सारी चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट डाल सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार। और आपको कलर लाना है तो आप यहाँ पे कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमेशा मैं भूल जाता हूँ, आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भर भर के यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट आपको डालना है और आपको इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्सअप कर ले रही, मैं लास्ट में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली थी, आप अच्छे से डाल सकते। इससे कलर आपको बहुत अच्छा आएगा, जिस तरह का लॉलीपॉप का एक कलर होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। देन उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ये चावल का आटा। आप चाहें तो अरारोट भी डाल सकते हैं, आप चावल का आटा। देन जितना आपने चावल का आटा डाला है, अगर आपने 4 चम्मच चावल का आटा डाला है तो आपको 4 चम्मच ही मैदा डालना है। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच आटा डाला, 4 चम्मच मैदा डालूंगी। उसके बाद जितना आपने मैदा और आटा डाला था सेम आपको 4 चम्मच अरारोट का पाउडर। अगर आपके पास अरारोट का पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर मैं 2 अंडा डाल दूँ। इससे क्या होगा कि आपका बैटर अच्छे से इसमें मिल जाएगा और आपको ईजी होगा फ्राई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्सअप ऑफ कर दे रही हूँ। अच्छे से आपको मिलाना है इसको। उसके बाद आपको कम से कम इसको 2 घंटे के लिए ठंडी जगह पे रख देना है। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और इसको 2 घंटे, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप नॉर्मल फ्रिज में नहीं भी रखोगे, आप बाहर रखते हो तो 2 घंटे में वो तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इस टाइम पे फ्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने 2 घंटे रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म किया है, उसके बाद मैं लॉलीपॉप को डाल रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। लॉलीपॉप को आपको इसमें 2 फ्राई करनी रहती है। सबसे पहले आपको लो फ्राई, देन आपको हाई फ्राई करना रहता है। तो मैं यहाँ पर जो फ्राई कर रही हूँ ना, पहले मैं लो फ्राई करूँ। गैस का जो गैस आपको एकदम स्लो में रखना है, बिल्कुल ही स्लो, जिससे आपका चिकन अंदर तक पक जाए। तो आपको एकदम स्लो करते हुए पूरे चिकन को पकाना है। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम स्लो में ही चिकन को पकाया है। इस तरीके से आप एकदम स्लो में आपको चिकन को पकाना है, जिस तरह से मैं पका रही हूँ। एक एक करके डालेंगे और बिल्कुल स्लो रखेंगे तब भी आपका चिकन पकेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सारे चिकन को आपको इस तरीके से फ्राई कर लेना है। उसके बाद जब आपका लास्ट जब चिकन बचता है तो आप उसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई कैसे करना है, आपको चिकन डालना है, आपका चिकन ऑलरेडी पका हुआ है राइट, तो आपको चिकन डालना है और आपको एकदम हाई फ्लेम में उसको रख देना है। एकदम हाई फ्लेम होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका चिकन ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। तो आप पहले लो फ्लेम में पकाओ चिकन, जिससे चिकन पक जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको हाई फ्लेम में पकाना, जिससे आपका जो ऊपर का बैटर था वो आपका क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरीके से मैं पहले सारे चिकन को लो फ्लेम में पकाई, देन मैं उसको डीप फ्राई में करूँगी। तो आप इस तरीके से चिकन लॉलीपॉप को बना सकते हो। और अगर आप कोई डिश देखना चाहते हो कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपका 1 लाइक, आपका 1 कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो हाउसवाइफ हैं वो घर पे इजीली चिकन को बना सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो 1 लाइक तो बनता है ना गाइस, इतना मेहनत का, तो 1 लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे चिकन को अच्छे तरीके से कर लिया है और मैंने डीप फ्राई भी कर लिया है। आपको सबसे पहले तो लो करना है, दैन डीप, या ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, तो इससे आपका चिकन लॉलीपॉप पकेगा भी और क्रिस्पी भी रहेगा। आप इस तरह से चिकन लॉलीपॉप को बना सकते हैं अपने घर पे इजी तरीके से। और जिसने भी इस लॉलीपॉप को ट्राई किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।